आज के वक्त में सबकी ज़रूरत है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। ऐसे में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ब्यूटी और हेयर स्टाइलिस्ट जोड़ी रचित और लावण्य मल्होत्रा ने अपने सैलून फेमिना प्लस की एक और ब्रांच की शुरुआत की है। इस अवसर पर सैलून के मालिक दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोगों को उनका ये कंसेप्ट पसंद आएगा। आई एम दिनेश मल्होत्रा, ऑनर ऑफ फेमिना प्लस। मैंने ये कंसेप्ट उस थीम पर लिया है जो आपको बाहर दिख रहा है, वाइट एंड गोल्ड। वाइट मीन्स हाइजेनिक लाइक अ चंडीगढ़। गोल्ड मीन्स इफ वी आर गिविंग अ गुड सर्विसेज टू द क्लाइंट, एंड सिंबल इज गोज टू कि वो स्माइल दे के जा रहा है गोल्ड वर्गी, तो इट इज़ कॉल्ड वाइट एंड गोल्ड। आज आपने ये लॉन्च किया है फेमिना प्लस, कितना स्टोर है आपको और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कब शुरुआत की? ये प्रेरणा तो 1985 में मेरी वाइफ रीना मल्होत्रा ने टू सेव अ रेंट, उन्होंने ये शुरू किया था सेक्टर 45 में, और आज उनका लगाया हुआ बीज 1985 के बाद 1995 में हम लोगों ने स्टार्ट किया सेक्टर 44 में, जहाँ से हमें एक अच्छा माइलस्टोन मिला, एक अच्छी कवरेज मिली, लोगों के द्वारा अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि इससे पहले ये बिजनेस हमेशा नाइयों की दुकान कही जाती थी। भले ही नाइयों की दुकानों स्टाइलिस्ट आज एक डिग्री बन गई है, आज एक प्रोजेक्ट बन गया है, एक अच्छी फॉर्म में हम कह सकते हैं। अब ये वो युग शुरू हो चुका है जिसमें हम उनको अपने साथ, अपनी सोसाइटी में, अपने बीच में एक पार्ट समझ सकते हैं। वो दिन चले गए जब नाई कहलाते थे, आज हेयर स्टाइलिस्ट कहलाते हैं। उससे पहले ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे, आज वो सैलून में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए कुछ चीज़ों को पसंद करता है, और अगर हम उनकी पसंद बन जाएं तो एक अच्छा युग का शुरुआत होती है, एक अच्छे विचारों की शुरुआत होती है, एक लोगों में लुक बहुत प्रेफरेंस देता है, और एक स्माइल जो होती है लोगों को अट्रैक्ट करती है, और लोग उससे पूछते हैं ये कहाँ से तैयार हुए। तो वो प्रोजेक्ट मेरी वाइफ ने 1985 से लेके आज तक मेंटेन किया। ये प्रोजेक्ट ऐसे की गई है कि उन क्लाइंट्स के बीच में पहुंच सकूं जो कभी बाहर जाके, इंटरनेशनल जाके अपनी सर्विसेज लेते हैं। आपने कैसी लोकेशन चूज की है जहां पर आपके आजू बाजू में बहुत से और पार्लर्स भी हैं और हाई प्रोफाइल पार्लर्स हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आपका कंपटीशन यहां पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा? देखिए, हर एक का भाग्य अपना अपना होता है, पर आप ये भी ध्यान से देखें कि कुछ लोगों को क्वालिटी चाहिए होती है। क्वालिटी हमेशा उन चीज़ों से आती है जब उन पर हम प्रोजेक्ट करते हैं हर तरह के ब्रांड्स को। हर ब्रांड्स की अपनी एक वैल्यूज़ हैं, हर ब्रांड में एक प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है और दूसरा नहीं, पर हमने एक चीज़ को कोशिश की है, जो पैशन हमारे घर के अंदर है वो पैशन मेंटेन कर सकूं। ये कितनी ब्रांच है आपकी और इसके बाद कोई ओपन करने का प्लान है? ये मेरी 5th ब्रांच है और आगे भी मेरी बिल्कुल है। मैं कोशिश करूंगा एरो सिटी रोड पर आने की, और उसको भी अभी डेवलप हो रहा है, और डेवलपमेंट होने के तुरंत बाद मैं वहाँ पर आपको ज़रूर मिलूंगा, क्योंकि हम 6 मेंबर हैं फैमिली, तो 6 तो होने ही चाहिए।